ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज इसी बात को आगर लेकर चलेंगे कि बोझ तो देने हैं, पर देने से पहले वक्त को समझना है कि वक्त कौन सा चल रहा है, उसकी और हमारी विदाई का वक्त बिल्कुल सामने खड़ा है। और यूं सोच लीजिए कि दो युग, पूरे दो युग यानी कि 2500 वर्ष, 2.5 साल नहीं, 250 वर्ष नहीं, कितना हमने उसको प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि नंगे पांव हिमालय पर चले जाओ तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हम वहां गए। किसी ने कहा कटरीली भूमि पर जाना पड़ेगा तो शायद राजी होकर साक्षात्कार करा दे, वो भी किया। किसी ने कहा तुम निर्जल उपवास रखो तो दया आ जाए, प्रसन्न हो जाए तो शायद दर्शन दे दे, वो भी किया। नींद को त्याग कर जागरण जगराते करो, प्रसन्न करो, महिमा करो, खुश करो, वो भी किया। पता नहीं कितने हवन तप यज्ञ तीर्थ यात्राएं, कितना 2500 वर्ष किए हैं हमने। अगर कोई हमें हमारे पूर्व जन्मों का साक्षात्कार करा दे तो पता चलेगा कि घर बैठे भगवान नहीं मिले हैं, जो हम सोचते घर बैठे मिल गए। पूरे 2500 वर्ष की महान तपस्या, बड़ी गहन भक्ति का फल देने के लिए आज वो मेरे ही जैसे रूप को धर कर मेरे सामने मेरी तपस्या का फल देने आया है। ऐसे ही नहीं मिल गया किसी को। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें घर बैठे मिल गया, इजी मिल गया, इजी नहीं मिला। अब 2500 वर्ष की तपस्या के बाद आज वो मुझे मिला है तो क्या मैं उसे जाने दूंगी, ऐसे छोड़ दूंगी क्या? जिसके लिए इसी चाह में जन्मे की कहीं तो मिल जाए, और इसी चाह में जन्म जन्म मृत्यु को प्राप्त होती रही, फिर इसी चाह में जन्मी और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त होती रही, अब उसे इजीली छोड़ दूंगी कि जा बाय बाय? छोड़ देंगे क्या? क्या करेंगे फिर? क्योंकि विदाई का वक्त आ चुका है लगभग। इससे पहले कि फाइनल बाय बाय कर दे, बांध लो, तीसरा नेत्र खोलिए, समय को भांपिए और अब वो कर लीजिए जो मुझे करना चाहिए। सारी उलझनों से मुक्त होकर, सारे बंधनों को खोल कर, बांधने का वक्त है अब। और यदि ये समय मेरे हाथ से चला गया तो समझ लीजिए पूरे कल्प की बाजी मेरे हाथ से निकल गई। तो बहुत ही सीरियसली बांधने का वक्त है। और बांधेंगे कैसे? क्योंकि बांधने की बात मैं किसी साधारण आत्मा को नहीं कर रही हूं, त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान सर्वोच्च सत्ता को बांधने की बात हो रही है। इजीली तो नहीं बंधेगा, बंध सकता है क्या? नहीं बंधेगा। एक छोटा सा लल्ला नहीं बंध पाया यशोदा मैया से, भरसक प्रयास कर लिए, लोभ प्रलोभन दे लिए, सोने चांदी हीरो की जंजीरें ले आई, निकाल करके इनमें बंध जा दे, कितनी महंगी महंगी है। नहीं बंधा तो नरम नरम रंग बिरंगी प्रलोभित करने वाली रस्सियां ले आई, इनमें तो बंध जा। नहीं बंधा, हर रस्सी छोटी पड़ गई, पर वो छोटा सा लल्ला बंधने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जिद है आज यशोदा मैया को, शक्ति फेल है, सामर्थ्य फेल है, प्रयास फेल है, पर एक मन में हट है कि आज का दिवस तो ऐसा है, चाहे मेरी सारे प्रयास फेल हो जाए, चाहे सारी सामर्थ्य फेल हो जाए, पर मैं तुझे बांध कर ही रहूंगी। और जब तक ऐसी हट हमारे और आपके अंदर पैदा नहीं होगी जैसी यशोदा मैया के अंदर हुई थी, तब तक हम भगवान को बांध नहीं सकते। ऐसी हट, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, जैसा यशोदा मैया ने किया था। अब देखिए, जब लगा कि अब मेरा पार तो नहीं चल रहा, मैं तो किसी भी तरह से इसको नहीं बांध पा रही हूं, अब करूं क्या? लेकिन बांधना जरूर है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, बांधना जरूर है, हट है। तो क्या किया फिर?
समर्पण कर दिया, सर झुका लिया, अपने आप को अर्पित किया, बोला देख काना आज मैं तुझे बांधूंगी जरूर, ये मेरा प्रण है या प्रतिज्ञा है, लेकिन तू बंध नहीं रहा, अब तू बता दे तू बंधेगा कैसे, मैं तुझे बिना बांधे तो आज नहीं छोड़ने वाली, अब तू बता तू बंधेगा कैसे। अब जैसे ही समर्पण किया तो वो भी बंधने के मूड में आ गया। जब तक हम अपने मन बुद्धि को उसके सामने समर्पित नहीं करेंगे दिल से, तब तक वो नहीं बंधेगा। इसलिए पहली कंडीशन क्या है? समर्पण। और जैसे ही समर्पण किया तो बड़ा इजी वे बता दिया कि मैया फेंक दे रस्सियों को, इनसे थोड़ा ही मैं बंधूंगा। फिर कैसे बंधेगा? बोला दिल में थोड़ा प्यार पैदा कर, होठों पे मुस्कुराहट ले आ, आंखों में वो प्यार दिखा दे, तेरे आंचल से बंध जाऊंगा माँ, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं। कैसे बंधेगा? समझ में आया? भावना मई स्नेह की रस्सी से बंधेगा, जिसमें भावना भी हो स्नेह भी हो, ऐसी रस्सी से बंधेगा। और दोनों ही चीज कहां पैदा होती है? दिल होती है ना, दोनों दिमाग में पैदा होती है स्नेह या भावना, कहां पैदा होती है? दिल में। है सभी के पास दिल? है सभी के पास? तो इस दिल में वो स्नेह पैदा करिए, वो रस्सी पैदा करिए और दिल से बांध लीजिए। दिल से दिल का बंधन होगा, दिल से दिल बंधेगा। और ये बंधन ऐसा नहीं होगा कि दो चार साल का होगा, पचास साठ साल का होगा, ऐसा बंधन नहीं होगा। ये बंधन पूरे कल्प के लिए बंधेगा। जब जब मुझे सृष्टि पर उसकी जरूरत होगी, मैं इधर से आवाज लगाऊंगी और वो नंगे पांव दौड़कर खड़ा हो जाएगा मेरे सामने पूरी मदद के साथ। ऐसा बंधन बनाने का ये सुंदर लिमिटेड मौका है हमारे पास, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है हमारे पास सब। तो या तो और जगह बांध लीजिए या फिर उसको बांधने में तैयार हो जाइए। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या खुद बांध जाइए या फिर उसको बांध लीजिए। तो कंडीशन क्या रही? दिल में प्यार पैदा करो। बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं जी? दिमाग वाले? दिल वाले बच्चे पसंद हैं।